Hey guys, welcome back to another new video. My name is Mohit and you are watching Digital Mohit. आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत से लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे चैनल पे वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। आज मैं लेकिन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्यूज के बारे में, व्यूज क्यों नहीं बढ़ते है। अगर आप चैनल पे अच्छे वीडियोज अपलोड कर रहे हो, अच्छा कंटेंट दे रहे हो, अच्छा SEO कर रहे हो, फिर भी आपके वीडियोज पे व्यूज नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे ये मैं बताऊंगा। और वीडियो का शेल्फ लाइफ क्या होता है, वीडियो कब वायरल होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आज का वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। और हमेशा मैं अपने चैनल पे यूट्यूब रिलेटेड नॉलेज देते रहता हूँ, वो भी 100% क्वालिटी के साथ। तो गाइस मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए, लेकिन बहुत से वीडियोज पे कम व्यूज है। आपने एक बार नोटिस की होगी, तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो टाइटल आपने देखा होगा, कोई भी टाइटल डाल देते कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ ? आज मैं घूमने जा रहा हूँ ? आज मेरे घर पे ये हुआ, उन्होंने टाइटल डाल दिए, वीडियो डाल दिए और उनका वीडियो ऐसे बूस्ट करते हैं कि बाप रे बाप, बिना SEO के वो कीवर्ड भी नहीं डालेंगे, सिर्फ टाइटल ही डाल देंगे तो उनके वीडियो ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि उनके 1 लाख सब्सक्राइबर है, किसी के 50,000 सब्सक्राइबर है। मिनिमम आपके चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर रहेंगे तो उसमें से 5-6 हज़ार लोग तो देखेंगे। तो इनिशियली आपके चैनल पे जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो उसको इनिशियली चाहिए बूस्ट। अगर आपके वीडियो को इनिशियली बूस्ट मिल जाता है तो आपके चैनल पे व्यूज आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपको क्या करना होता है, आपको नॉर्मल प्रोसीजर यूज करना पड़ता है, जो बाकी यूट्यूबर्स आपको बताते भी होंगे। आपको टाइटल अच्छा लिखना है, आपको डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना है, आपको कीवर्ड फाइंड करना है अच्छे वाले और अपने टैग पे लगाना है। तो सोचो कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube, ऐसे कई सारे लाखों वीडियो YouTube पे पड़े हैं, उसको अगर मैं कितना भी अच्छा कंटेंट बना लूं 100% मेरा टॉप पे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी कीवर्ड्स बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं, सभी टाइटल बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं, मेरा क्यों ऊपर आएगा, क्यों आएगा? आपने ये सोचा भी होगा कि मेरा क्यों ऊपर आएगा, क्योंकि मेरे साथ वाले, मेरा अगर मैं सेम वीडियो बना रहा हूं तो बाकी लोग भी तो बना रहे होंगे, वो भी सेम टाइटल सेम कीवर्ड यूज कर रहे होंगे, भले ही सिर्फ डिफरेंस एक चीज का होगा, वो है थंबनेल का। मेन इंपॉर्टेंट है थंबनेल ही। अगर आपका थंबनेल अच्छा रहेगा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपना थंबनेल क्लिकेबल बनाइए। अगर आप अपना थंबनेल क्लिकेबल बनाएंगे तो आपके चैनल पे व्यूज बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। आप अपने चैनल पे ऐसे थंबनेल बनाएं कि जिसमें कुछ इमोशनल हो, जिसमें कुछ ऐसा हो कि आप बता भी रहे हो और आप दुखी भी हो, मतलब आप कर भी रहे हो और दुखी भी हो, ऐसे वाले शॉकिंग वाले थंबनेल रखो, लोग उस पर क्लिक करें, देखें। अगर आपके वीडियो पे क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा तो आपके वीडियो ज़्यादा रिकमेंड में जाएगी। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट कम हो गया स्टार्टिंग में ही, अगर आपने वीडियो अपलोड की 1 घंटे 1 दिन में अगर आप देखोगे तो उसका क्लिक थ्रू रेट 2-3% तक आ जाता है, ऐसे वीडियो डेड हो जाते उस पर व्यूज आना बंद हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर 1-2 घंटे में, या बोलो कि चलो 24 घंटे में आपकी वीडियो पे क्लिक थ्रू रेट 10-12% है, मतलब YouTube उसको आगे के भेज रहा है, लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। अगर आपकी वीडियोस पे स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आ रहे, आपने चलो वीडियो अपलोड किया, आपने वेट किया 1 दिन, वेट किया, नहीं बढ़ रहा आपके व्यूज, तो आपको क्या करना है, मैं सजेशन दूंगा, ये मैंने खुद भी अपने वीडियो पे ट्राई किया था, आपको अपने वीडियोस का थंबनेल चेंज करना है। मैंने भी अपने वीडियोस का थंबनेल चेंज किया था, मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस का थंबनेल चेंज किया, उसके बाद मेरे वीडियोस पे व्यूज आना स्टार्ट हो गया। मैंने थंबनेल पे वर्क किया, क्योंकि टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड हर कोई सेम लिखता है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन टाइटल और कीवर्ड हर कोई सेम लिखता है, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स बताते हैं कीवर्ड ये वो, लेकिन मेन होता है थंबनेल। अगर आपका थंबनेल पे क्लिक्स बढ़ेंगे तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, और मेन होता है कि आपके कंटेंट पे रुकना भी चाहिए, ऑडियंस रिटेंशन, अगर ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ेगा तो और लोगों को यूट्यूब रिकमेंड करेगा। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम यही है कि आप अपने चैनल पे इनिशियली बूस्ट चाहिए, जो बड़े बड़े सब्सक्राइबर होते हैं उनके, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको ही, वही उनको धक्का दे देते, मतलब एक पुश दे देते जब वो वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए उनके वीडियो इतने वायरल होते हैं। वो सिंपल सा थंबनेल भी डाल देंगे ना, फिर भी उनके वीडियो बहुत मिलियंस तक केस तक चले जाते हैं। लेकिन इनिशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेरे जैसे अगर आप यूट्यूबर हो, स्टार्टिंग के दिनों में अगर करना चाहते हो, अपने चैनल को व्यूज बढ़ाना चाहते हो, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, तो थंबनेल पे वर्क करिए,
जितना आप थंबनेल पे वर्क करोगे उतने आपके वीडियोस वायरल होने के चांसेस रहेगी। और कंटेंट पे तो करना ही है आपको, लेकिन मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि आपको थंबनेल पे वर्क करना है ज्यादातर। टाइटल कीवर्ड डिस्क्रिप्शन ये तो लगाना ही है, बट आपको थंबनेल पे वर्क करना है। थंबनेल पे अगर आप वर्क करोगे अच्छा तो आप ट्राई करना ये चीजें। वीडियो आपका नहीं चला तो आप थंबनेल चेंज करके देखना, उससे भी बेटर बनाने की कोशिश करना, तो आपके वीडियोस पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। आप ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, और ये मैंने खुद भी यूज किया था तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। और आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डिजिटल मोहित आईडी पे, जहां पे मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई जरूर दूंगा। सो थैंक यू गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे गाइस, क्योंकि मैं नए यूट्यूबर्स को हमेशा हेल्प करता हूं और आपको भी जरूर करूंगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू।